मॉर्निंग फ्रेंड्स, संदीप कोटवाल बदलापुर बॉम्बे से बिलोंग करता हूँ और आज वेस्ट इंडीज और विनिंग टीम के साथ में ग्राउंड डायरेक्टर लेवल पर हूँ और बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी आज ही वो ग्राउंड का 3 दिन का फंक्शन हमारा खत्म हो चुका है पुणे में और हम निकले अभी हमारे घर जाने के लिए और रास्ते में ही है। तो एक्साइटमेंट इतनी है कि 3 दिन में जो लर्निंग किया था उसमें बहुत सारे स्ट्रैटेजी सीखे मैंने, बहुत सारे लोगों की स्टोरी सुनी, तो ये पता चला कि हर कोई यहाँ पे आज सक्सेसफुल है तो हम डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ऐसे ही एक शख्स है, शख्स को मैं बहुत करीबी से जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, मेरा बचपन का दोस्त है, स्कूल फ्रेंड्स कह सकते हो या उससे भी पहले का फ्रेंड कह सकते हो, बचपन से हम दोनों भी साथ हैं, करियर भी चुना तो दोनों ने भी साथ में चुना था, वो भी बीएससी कंप्यूटर कर रहा था, बीएससी कंप्यूटर करते हुए उसने भी एक अपने करियर का डिसीजन ले लिया कि मुझे ज़िंदगी में जॉब नहीं करना है और वो भी बिज़नेस की तरफ चल पड़ा और मेरा भी वही हाल था कि मैं शुरुआत से ही बिज़नेस, मेरे पिताजी बिज़नेस कर रहे तो मैं देख रहा था कि बिज़नेस में क्या होता है, कैसे होता है, अप एंड डाउन होते हैं लेकिन जो आज़ादी होती है जो जॉब में नहीं होती, जॉब मैंने 1-2 साल करके देखा था, लेकिन वो मैंने भी वही मेरे करियर की शुरुआत ट्रैवल इंडस्ट्री से की थी और उसने भी ट्रैवल इंडस्ट्री से शुरुआत की थी। तो तब से हम साथ में ही बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं, अलग अलग एक दो पार्टनरशिप में भी काम किए थे लेकिन वो पार्टनरशिप पूरी नहीं हो सकी बाकी पार्टनर की वजह से, लेकिन हमने हमारी दोस्ती या उसमें कभी दरार नहीं आने दी और ऐसे ही करते इस बिज़नेस को भी हमने जब स्टार्ट किया तो दोनों ने साथ में स्टार्ट किया था और बहुत सारे ज़िंदगी के अहम डिसीजन लेने के लिए मुझे नितिन का हमेशा सपोर्ट रहा है। तो आज सुनते हैं कि नितिन ने गो ग्राउंड में क्या डिसीजन लिया है, तो मैं इनवाइट करता हूँ यहाँ पे मेरा बचपन का दोस्त नितिन सोनी और नितिन के बारे में बताऊँगा तो बिजनेस में डे फर्स्ट से कमिटेड है, नॉलेज देने के लिए कभी आगे पीछे नहीं देखता है, कहीं पर भी फंक्शन रहे हम साथ में रहेंगे और हम अटेंड करते ही वो कहाँ भी रहे, महाराष्ट्र में रहे, महाराष्ट्र के बाहर रहे, दिल्ली रहे, हम तो 2020 का एफआरयू अगर आप देखते हो तो मैं हम लोग दिल्ली एफआरयू भी अटेंड करके आए थे। तो नॉलेज के बारे में अगर बात करें तो मेरे से 100% ज़्यादा नॉलेज उसके पास है बिजनेस का भी और इस इंडस्ट्री का और बाकी भी, लेकिन एक बात है कि नितिन और प्रज्ञा दोनों भी पैशनेटली अपने सपनों के लिए यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। आज वो 0 to 0 डायरेक्टर इस बिजनेस में है और आज 3 दिन का गोक्राउंड का फंक्शन नितिन ने अटेंड किया है और ये गोक्राउंड जब स्टार्ट हो रहा था उससे 2-4 दिन पहले ही बदलापुर में DLCP भी हमारी विनिंग टीम की स्टार्ट हो चुकी है, तो उसके ओनर भी नितिन सर बरबर, तो बहुत सारी अचीवमेंट अभी होने वाली है। तो जानते हैं पहले कि गो ग्राउंड में उन्होंने क्या उसने क्या डिसीजन लिया है, कैसे फंक्शन को एंजॉय किया है वो जानेंगे हम। नितिन सर, यस प्लीज। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। नाम नितिन सोनी है, बाय प्रोफेशन एक बिजनेस मैन हूँ और साथ में पार्ट टाइम में बिजनेस कर रहा हूँ। डेफिनेटली गो ग्राउंड ये जो हुआ सेशन ये 3 दिन का था, अभी हम जब एंड में थे ना सेशन के तो भी कुछ सेशंस बाकी थे। सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि जब सीखना बंद हो जाएगा ना तो दिमाग घास खाने चला जाता है। तो डेफिनेटली मैं हर चीज़ में एक्टिव हूँ, कुछ सरकमस्टेंसेस आ जाते हम उसको रीज़न बनाते, वही आज सीखा हमने ये 3 दिन का जो सेशन हुआ ना, हम सरकमस्टेंसेस को रीज़न बनाते, रीज़न को स्टोरी बनाते और वही स्टोरी रिपीट करते रहते। तो आज ये डिसीजन है मेरा कि मेरा स्टोरी नहीं बनेगा, मेरा लाइफ स्टोरी बनेगा, रीज़न स्टोरी नहीं बनेगा, मेरा लाइफ स्टोरी बनेगा। पीछे बैठ के बहुत दिन गुजारे, अब स्टेज ऑन करना है क्योंकि जब हम स्टेज पे आते हैं ना तो हम स्टेज ऑन करते हैं। डेफिनेटली ये 3 दिन का जो भी सारा अंश है वो 3 दिन के बाद आज जो वीडियो बन रहा है, मैं कमिटेड हूँ मेरे वर्ड को क्योंकि इसके आप इसके पहले भी जितने मैं बोला हूँ सब किया है। हर बार मेरे अप्लाई एकनाथ सर, मकरन सर, संजीव सर, इन्होंने हर बार बोला है लेकिन तू तो जब जाग जाएगा ना तो बाकी सब लोग ताली बजाएंगे। तो वो आज दिन है दोस्तों, मैं आज से आने वाले 90 डेज में आज हूँ सिल्वर, 100 सिल्वर, 3 अचीव सिल्वर, बट आने वाले 90 डेज में ब्रांड न्यू क्राउन डायरेक्टर बन के स्टेज पर जाना, डन डील है। क्यों, कैसे होगा, क्या होगा, हर चीज़ माइंड सेट है। जब तक माइंड सेट नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला, आपका एक डिसीजन ही आपके सक्सेस के राह बनाने वाला है। अब आज हम जहाँ कहीं भी है ना हमारे डिसीजन की वजह से, एक गरीब अगर गरीब है तो डिसीजन की वजह से, अमीर अगर अमीर है तो डिसीजन, बस इस डिसीजन में बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है।
बहुत सारा धमाका होने वाला है। मिलते हैं दोस्तों एफआरयू में ब्रांड न्यू ग्राउंड पर। यस, बहुत बढ़िया नितिन, और हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन आपने जो डिसीजन लिया, डेफिनेटली हम विटनेस है उसका, और पूरा जर्नी में देख सकता हूँ नितिन का अगर कोई चीज़ काम लिया तो डेफिनेटली वो पूरा करके वो दम देता है। तो दोस्तों यही है हमारे सक्सेसफुल लाइफ का राज। तो हर विनिंग टीम के लीडर के पास आपको ये ताकत मिलेगी, और वहाँ पे आप देखेंगे जुनून भरा है हमारे अंदर, बराबर। तो ये विनिंग टीम का पावर है, वेस्टिस का पावर है, और ड्रीम्स का पावर है। सपना हर कोई देखता है, और बहुत सारे लोग सोते हुए भी सपने देखते हैं, लेकिन सपना उसी का पूरा होता है जो जिन जीता जागता सपना देखता है, बराबर। तो यही चीज़ है कि हमें यहाँ पे सपनों को देखना सिखाया जाता है, सब कुछ सिखाया जाता है। जैसे एक बच्चा छोटा है, जन्म होता है वहाँ से जैसे खड़ा हो पाता है, तो जो भी चीज़ें वहाँ से सीखता है वैसे ही विनिंग टीम और हमारे लीडर हमें ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो आपको जिस व्यक्ति ने ये वीडियो शेयर किया है वो व्यक्ति भी बहुत अहमियत है उसके लाइफ में, वो भी सपनों को पूरा करना चाहता है, तभी आपके पास ये वीडियो आया है। तो मैं भी चाहूँगा कि अगर आपके पास सपना है या आपकी ज़िंदगी में और कुछ करना चाहते हो, तो इस वीडियो जो भी आपको ये वीडियो भेज रहा है उसके साथ देखिए, ये अपॉर्चुनिटी को जान लीजिए, और अपने लाइफ अपने फैमिली के सपने जो भी है उसको आप पूरा कर सकते हो। एक चीज़ है दोस्तों, एक मिनट ज़िंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन एक मिनट के लिया हुआ फैसला आपकी 100% ज़िंदगी बदल सकता है। तो डिसीजन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये डिसीजन लेने के लिए ऐसे बड़े फंक्शन में आना ज़रूरी है। वहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं तो वो एक्सपेंसेस किसी और के लिए नहीं है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। और मैं अगर बात करूँ 3 दिन के फंक्शन की, तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया फंक्शन रहा। हर लीडर ने अपना जो भी वहाँ पे योगदान दिया है बेस्ट दिया। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और कम एंड जॉइन अस, विश यू वेलकम।